जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज एक महत्वपूर्ण थॉट्स मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा और देखा कि कुमाऊं रेजिमेंट की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है। एक सवाल दिमाग में गूंजा सर कि जब हम फौज की बात करते हैं तो फौज में उत्तराखंड का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल, इतना बड़ा रोल है कि आज उत्तराखंड में कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे घर हैं जहां से तीन तीन चार चार जनरेशन से फौजी अफसर निकल रहे हैं। मतलब हर घर में दे थिंक अबाउट एनडीए, दे थिंक अबाउट सीडीएस। ऐसा क्या है उत्तराखंड की मिट्टी में कि हर एक बच्चा फौज के बारे में सोच रहा है सर? मतलब तीन में दो बच्चे अगर फौज के बारे में सोच रहे हैं, मतलब सर उस मिट्टी में कुछ है। तीन में से तीनों भी देखते हैं, शायद तीन में से तीनों भी देखते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं सर कि ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड उतना बड़ा नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं आर्म फोर्सेस के लिए जी। लेकिन जो बहादुरी की बात आती है वो उत्तराखंड की एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। दे हैव देयर ओन रेजिमेंट्स, गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, ये उत्तराखंड में बहुत बड़ी बात, बड़ी बात है और बहुत बहादुर रेजिमेंट्स हैं ये, और वो वहां से आती हैं। अब ज्योग्राफिकल फीचर में हमारा आप देखिए कि वो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी लोग वैसे भी जुनूनी होते हैं। जो प्लेन्स में रहने वाले बच्चे जो है आमतौर पर जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो उनके डेली रूटीन में वैसे ही शामिल होता है। फिजिकली किसी को अनफिट नहीं पाएंगे आप। आपने वैसे देखिए फौज तो बहुत दूर की बात है, वहां का नॉर्मल इंसान भी फिजिकली बहुत फिट है। कोई भी ऐसा आप जहां पर पहाड़ी इलाका है वहां पर आप देखेंगे कि दे आर फिजिकली मोर फिट जी। एक दूसरा IMA कहां है? देहरादून में है ना, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। कोई व्यक्ति गया और उसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी, स्पेशली संडे को आप जाकर के देखिए सर। अच्छा, एज अ सिविलियन भी जा सकते हैं सर? भाई आप उसके नजदीक पहुंच करके देखिए, आप बाजार में देखिए कि जब कैडेट्स निकलते हैं वो एक अलग चार्म होता है, वो जुनून जगाता है किसी यंगस्टर के अंदर कि यार मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा आगे चल करके। एक ये चीज आ गई। अब फिर एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि आप अभी हाल में देखिए शौर्य स्थल वॉर मेमोरियल जी, ये बनाया गया और उत्तराखंड में बनाया गया है, चीड़बाग एरिया में जी। तो वहां पर अभी आप देखिए कि किसी स्टेट का अपना वॉर मेमोरियल और उस वॉर मेमोरियल में 2330 से ज्यादा बहादुर वो सैनिक और वो ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी जान इस देश के लिए दी है, जो उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड के 2330 लोग उस वॉर मेमोरियल में। क्या बड़ी बात है, क्या कंट्रीब्यूशन, 2330 सर, मोर देन दैट। आप सोचिए क्या कंट्रीब्यूशन है इस चीज का, कितना कंट्रीब्यूशन है उत्तराखंड का सर, है ना। और इस बात को तो हिंदुस्तान में कोई झुठला नहीं सकता है कि आज की डेट में अगर फौज का नाम लिया जाएगा तो बिपिन रावत साहब को कोई भूल नहीं सकता, कभी नहीं। बिपिन रावत साहब कहां से थे? उत्तराखंड। ठीक है, अभी भी जो CDS है वो भी आज की डेट में आप देखिए साहब कि जो नेशनल सिक्योरिटी जिसकी वजह से बात होती है, आज हम लोग लाख कहते हैं कि अब इंडिया वो नहीं रह गया, इंडिया अब क्या है, देखिए पाकिस्तान में उनके टेररिस्ट और उनके जो लीडर्स थे वो असैसिनेट हो जाते हैं, कनाडा में क्या हुआ सबको पता है, लेकिन ये जो नेशनल सिक्योरिटी, इस देश की सुरक्षा जो है वो है एक व्यक्ति के दिमाग की वजह से, दैट इज अजीत डोभाल साहब। और अजीत डोभाल साहब कहाँ से आते हैं? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड का ये कंट्रीब्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी में, आप बताइए इससे ज्यादा क्या चाहिए लोगों को। एंड आई बिलीव कि ये हर एक बच्चे में, इसलिए वो जुनून जगता है, जुनूनी होते हैं ये। 2020 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के जो फाउंडर मेंबर थे, जो फाउंडर थे लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, उनका भी ये विजन था कि उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में त्रिशूल की एक ब्रांच होनी चाहिए, और 2022 में हमने देहरादून की ब्रांच इनॉग्रेट कर दी थी इसी उपदेश के साथ, क्योंकि उनका भी सोचना और कहना यही होता था कि उत्तराखंड की मिट्टी में कुछ है सर। बिल्कुल, और मैं तो ये एडमायर करता हूँ हमेशा। मैं एक चीज और बताऊँ अपने व्यूअर्स को कि लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा साहब इतने विजनरी इंसान थे, उन्होंने जो कुछ भी कदम उठाया वो बच्चों के हमेशा हित में, और वो चीज़ ध्यान में रख करके कि मुझे कहाँ क्या काम करना है जाकर के, क्या कंट्रीब्यूशन मैं वहाँ दे सकता हूँ। और जो ये त्रिशूल एकेडमी वहाँ देहरादून में खुली है, अब
अब आप समझिए सारी सुविधाएं वहां पर इसलिए दी गई हैं, जो मैं कहता हूं बच्चों को कि एक बार घूम के तो आकर के देखो। सही बात है सर, कर्नल रावत सर खुद जो सेंटर हेड है जी, वो खुद वहां एक्स एनडीए थे और एनडीए में ट्रेनर थे, ट्रेनर थे वो वहां पर। आप देखिए कि अगर रावत साहब वहां पर बैठे हुए हैं एक एनडीए के ट्रेनर, और एनडीए वाले भी सब आईएमए में आते हैं बाद में, है ना, प्लस उस जगह पर जो आपको जिस तरीके से ग्रूम किया जा रहा है, जो आपके लिए एनवायरमेंट बनाया है, जो प्रेमिसेस बनाई है, वो हर बच्चे को एक बार घूम करके देखना चाहिए कि हाँ जी क्या मुझे यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, सही बात है। और ये विजन था मल्होत्रा साहब का, यही एम था सर, यही एम था कि उस मिट्टी में कुछ है जिसको आप त्रिशूल डिफेंस अकेडमी और पॉलिश करेगा। कितनी बढ़िया बात है कि देहरादून में रह करके आप तैयारी कर रहे हैं सीडीएस की, आप सीडीएस के बच्चों को आईएमए कैडेट्स को बाजार में जब देखेंगे, उस आईएमए जो एकेडमी है उस एकेडमी को आप बाहर से खड़े होकर के भी देख लेंगे तो आपका जुनून दुगना हो जाएगा। मतलब आपका जुनून कभी दबेगा नहीं, आप हमेशा जीवित रहोगे। जब थक जाओ तो पहुंच गए एकेडमी के सामने, ये है मेरा त्रिशूल। देहरादून सर धर्मपुर में है जी, और धर्मपुर से इंडियन मिलिट्री एकेडमी 6-7 किलोमीटर का फासला है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैंने वहां पे स्टूडेंट्स को देखा है जाते हुए। रीचेबल है सर, जिसका जुनून होगा वो खड़ा होगा जा करके, वो सिनेमा घर में नहीं बैठेगा, वो कहेगा यार मेरे पास टाइम है, मैं अपने जुनून को जी लूं थोड़ी देर जा करके। सही बात, ये सब देहरादून में आपको मिलेगा इफ यू कम डाउन टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बीइंग अ वेटरन, जो आपने एक्सपीरियंस बताया कुमाऊं रेजिमेंट का, गढ़वाल रेजिमेंट का, दैट इज मतलब अनइमेजिनेबल सर, इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। गढ़वाल रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है सर जहाँ कुछ नहीं हो रहा होगा ना, लोगों से वहाँ भी भेज देंगे तो ये सब कुछ करके आ जाएंगे, दे आर दैट मच, इतने बहादुर। अच्छा, तो मतलब फौज में जो काम किसी से नहीं हो रहा है वो गढ़वाल को दे दिया। तीन चार रेजिमेंट्स ऐसी हैं सर, देखिए जैसे आप देखिए पहला परमवीर चक्र जो जीतने वाले थे मेजर सोमनाथ शर्मा, वो कुमाऊं रेजिमेंट के थे। ये बहादुरी देखिए उनकी, उस रेजिमेंट की 120 लोग एक दिन में रिपीटेड जो हमले हुए पाकिस्तान की तरफ से, 1,000 से 1,500 लोगों से वो अकेले लड़े 120 लोग। क्या बहादुरी दिखाई होगी, और वो बहादुरी उत्तराखंड की मिट्टी में है। बिल्कुल है। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी फौज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीडीएस जैसी एंट्री का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सीडीएस कोचिंग देहरादून में धर्मपुर में है। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की देहरादून ब्रांच धर्मपुर में है, वहाँ पे जाइए, सेंटर हेड से मिलिए, कर्नल रावत सर से मिलिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। ऊपर फ्रेम में आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत कोचिंग बनी हुई है, इस उद्देश्य से कि बच्चों के जो स्टैमिना, नेचुरल स्टैमिना है, उसको और पॉलिश किया जा सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए, थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।